और आज हम इन वफल्स के साथ शुरू करेंगे। क्या यह क्या है? वफल। ठीक है, यह आसान है। सावधान दुष्ट वफल मेकर, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो मैं शुरू करती हूँ। मैं एक कटोरा लूंगी, आटा, दूध और अंडा भी लूंगी। मैं एक कटोरे में आटा डालूंगी और उसमें दो अंडे तोड़कर डालूंगी और फिर दूध डालूंगी और अब मुझे इसे एक विस्क के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। यह सब गुजरे जमाने की बात हो गई है। मेरे पास आटा के लिए एक प्रोफेशनल हैंड मिक्सर है। अब सामग्री की जरूरत है, आटा, दूध, अंडे। हमें ये सब चाहिए। बस ढक्कन हटा दे और अंदर सभी सामग्री डाले और मैं सब कुछ मिलाऊंगी। बस इस तरह से, एक सुविधाजनक डिस्पेंसर की मदद से। बढ़िया, मैं बस वफल मेकर पर तैयार बैटर डालूंगी। बस इतना ही। और अब मैं भविष्य के वफल को M&M कैंडी से सजाऊंगी और अब इसे बेक कर सकते हैं। आह, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसे पुराने तरीके से कर सकती हूँ। मैंने आटे को एक करछुल में डाल दिया और इसे वफल मेकर पर फैला दिया। अब बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और यहाँ मेरा जैम है, चेरी। अरे, कैन नहीं खुल रहा है। मैं इसे कैसे खोलूं? सोचो दादी, सोचो। हाँ, यह सही है, स्कॉच। अब मैं ढक्कन को सील करने जा रही हूँ और अब मैं इसे खींचने जा रही हूँ। हाँ, यह खुल गया है। दादी का अपना लाइफ हैक है। अब मैं एक कोन ले लूंगी और इसे जाम से भर दूंगी, इस तरह। अब मैं ध्यान से अपने वफल में जैम की बूंदे डालूंगी। बढ़िया, और अब हम इसे बेक कर सकते हैं। ओह, यह शोर कैसा है? यह लो और अब यह लो, ये। अब मेरे पास सही कुकी क्रम्स होंगे। ओ, क्या वो जोर से था? माफ करना। खैर, अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। चलो इसे चक्कर देखती हूँ। वाओ, कितनी स्वादिष्ट चीज है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत मीठी चीजें हैं। और अब ओरियो कुकीज और दूध, मैं उन्हें न्यूटेला के साथ एक जार में अच्छे से मिलाऊंगी। मैं इसे बंद करती हूँ और इसे अच्छी तरह से हिलाती हूँ और मैं इस बैटर को वफल मेकर में डाल देती हूँ। यह तैयार है। दिलचस्प। ओह, मेरे वफल तैयार है। क्या खुशबू है। यह एक प्लेट पर रखने और इसे सजाने का समय है। स्ट्रॉबेरी सिरप पैटर्न एकदम सही रहेगा। स्वादिष्ट। ओह, और मेरा भी तैयार है। चलो देखती हूँ। उफ, यह बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें हिलाकर बाहर निकालूंगी। चलो आओ। हाँ, यह हुई ना बात। अब मैं एक और बनाऊंगी। मैं बैटर को इस पर डाल देती हूँ और बेक करती हूँ। और दादी का कैसा चल रहा है? आह, मेरा वफल तैयार है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो, अब केवल इस पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बचा है। हाँ, यह बिल्कुल सही है। बढ़िया, दूसरा वफल तैयार है। अब मैं पहले वाले में व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। हाँ, और अधिक। चलो थोड़ा खुद भी चख लेती हूँ। और मैं ऊपर से दूसरा वफल रखकर इसे ढक देती हूँ। और अब चॉकलेट एक्शन में आ रहे हैं। हमें बस उन्हें आयरन से पिघलाने की जरूरत है। बस थोड़ी देर के बाद हमारा लिक्विड चॉकलेट तैयार है। अब मैं एक चॉकलेट पट्टी बनाऊंगी। पहले मिल्क चॉकलेट
चॉकलेट सफेद चॉकलेट और सफेद से मैं तो कुछ अक्षर लिखूंगी। इसे सबसे ऊपर रखूंगी और मेरा ओरियो वॉफल तैयार है। वाह, ये कितना सुंदर निकला। ओ, क्या सभी तैयार है? जिसके लिए इसे चक्कर बताने का समय है। वाह, इतनी सारी चीजें, मैं शायद इसके साथ शुरू करूंगी। आउच, ये इतना कड़क क्या है? क्या वह बीज है? उफ, मेरे दांत लगभग टूट गए थे। बस ये मेरे लिए काफी है। अब मैं रेनबो को ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाओ, ओरियो वफल। ये बेहद स्वादिष्ट है। तो यह पक्का एक विनर है। क्या सच में? मेरा वफल सच में जीत गया। ये तो अब मुझे केक पॉप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? आसान, यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे सफेद चॉकलेट चाहिए और मैं इसे सॉस पैन में पिघलाने जा रही हूँ। मैं स्टोव ऑन करती हूँ और इसे हिलाती रहूंगी ताकि यह जल ना जाए। हाँ, बस मुझे यही चाहिए। मैं कर्ड चीज लूंगी और इसे एक कटोरे में डालूंगी और अब मैं उसमें चॉकलेट डालूंगी और मिक्सर के साथ सब कुछ अच्छी तरह से मिलाऊंगी। बढ़िया, यह हुई ना बात। और अब हमें यह सब पेस्ट्री बैग में डालने की जरूरत है। इसे क्रीम से पूरा ऊपर तक भरना जरूरी है। तो अब हम इसे विशेष सांचों में निचोड़ सकते हैं। इस तरह से। बढ़िया। और अब मैं उन्हें दूसरे आधे भाग के साथ कवर करूंगी और बस मैं स्टिक्स को विशेष छेद में डालूंगी और अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि यह जम जाए। एकदम सही। थोड़ी देर के लिए यहाँ रह जाओ। और यहाँ मेरे ताजा बेरीज हैं। यहाँ एक चेरी है। हमें किसी तरह बीज से छुटकारा पाना होगा। यह सही है, मेरे पास एक पिन है। मैं उन्हें निकालने के लिए इसका उपयोग करूंगी। हाँ, कितना आसान है। अब मैं बाकी सभी चेरी से बीजों को हटा दूंगी। बढ़िया, बढ़िया है। अब हमें चॉकलेट को पिघलाना चाहिए। मैं इसे जल्दी से पिघलने के लिए तोड़ दूंगी। बस हमें यही चाहिए। और स्टिक्स की जगह मेरी बुनाई के कांटे काम करेंगे। ये सब, ये अच्छे हैं। मैं उन्हें प्रत्येक चेरी पर लगाती हूँ और उन्हें चॉकलेट में डुबोती हूँ। हाँ, यह बिल्कुल सही है। सुंदर। ठीक है, अगर हमें स्टिक की जरूरत है तो मैं उन्हें चुपा चुप से ले लेती हूँ। मुझे बस कारमेल खाना है। खैर, मैं इसे संभाल सकती हूँ। और यहाँ किंडर सरप्राइज है, बस और क्या चाहिए। मैं उनसे फॉइल हटा देती हूँ और छड़ी तैयार है। अब मैं उन्हें चॉकलेट अंडे में डाल दूंगी। बस हो गया, मेरे केक पॉप लगभग तैयार हैं। हमें व्हिप क्रीम जोड़ने की जरूरत है, एक बढ़िया हैट और हाँ, यहाँ मेरे फेवरेट सिरप के बिना काम कैसे चलेगा। प्रत्येक कैंडी का अपना रंग होगा और बेशक मैं ऐसा ही करूंगी। कितना बढ़िया। ऐसा लगता है कि क्रीम को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने का समय है। मैं इसकी सुगंध को महसूस कर सकती हूँ। चलो देखते हैं। ओह हाँ, वे जमे हुए हैं। बढ़िया। और मैंने पहले ही सजावट तैयार कर ली है। जेस को प्रिंसेसेस बहुत पसंद है। पेस्ट्री बैग की मदद से मैं क्रीम का एक सुंदर पैटर्न बनाऊंगी। अब मैं मीठे बिट्स जोड़ूंगी और फिर मैं प्रिंसेसेस को फिक्स कर दूंगी। यह शानदार कपड़े बन गए और सभी बहुत अलग।
मैंने बस खुद को पीछे छोड़ दिया है। ओह, वो शोर कैसा है? बस हो गया, मैंने केवल अपने हाथों से पुराने तरीकों से नट्स को कुचल दिया है और अब मैं अपनी कैंडी को अखरोट के टुकड़ों से सजा सकती हूँ। बस ऐसे यही हमें चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम इसे चख कर बताओ। जैस, वाओ, आपने बहुत मेहनत की है। मैं इन चॉकलेट अंडे के साथ शुरू करूँगी। ऊपर स्वादिष्ट क्रीम है, मैं काटती हूँ। ओह, अंदर एक खिलौना है। वहाँ क्या है? ओ, एक खरगोश के साथ कितना प्यारा अंगूठी है। कितना अच्छा है। देखो, अब मेरे पास ऐसे अंगूठी का एक पूरा कलेक्शन है। मैं उन सभी को पहनूंगी। वाओ, मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। खैर, देखते हैं कि दादी ने क्या तैयार किया है। कितना स्वादिष्ट है। ओह, अंदर चेरी भी है। यहाँ क्या है? वे प्रिंसेसेस है। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? इस वाले के साथ। हाँ, चलो मैं खाना शुरू करती हूँ। अंदर कितना नाजुक और स्वादिष्ट क्रीम है। हाँ, और मुझे जीत किसे देनी चाहिए? तुम नहीं, शेफ निश्चित रूप से जीत रही है। ओह, मेरे मेहनत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे कॉटन कैंडी चाहिए। ओह, मैं समझ गया। क्या? यह एकदम आसान होगा। मैं यहाँ चीनी डालूंगा। कहाँ? उफ, मेरा चश्मा लगभग गिर गया था। ठीक है, मैं भी उसकी तरह करने की कोशिश करती हूँ। ओ नहीं, सब हाथ से फिसल गया। मैंने सब गिरा दिया। खैर, कोई बात नहीं, यह और भी अच्छा है। लेकिन उफ, ओ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कॉटन कैंडी का तूफान है। बस किसी तरह बटन तक पहुंचना होगा। हाँ, सब ठीक तो हो ना? जिंदा हो ना? ऐसा लग रहा है यह। वाह, अब कॉटन कैंडी बनाने की बारी मेरी है। मैं चॉकलेट, कैंडीज और गमी लूंगा। मैं सब कुछ यहाँ रख देता हूँ और अब इसे चालू कर देता हूँ। यह क्या हो रहा है? बिजली ठीक से काम नहीं कर रही है। हर तरफ करंट। डिवाइस बंद नहीं हो रहा है। मुझे करंट लग रहा है। और कैटन कॉटन कैंडी का क्या हाल है? इसके रंग को देखकर ऐसा लग रहा है मानो बकवास। हाँ बिल्कुल, पर परेशान मत हो। मुझे पता है कि असली मास्टरपीस कैसे बनाना है। पहले अलग अलग कटोरी में चीनी डालें और फिर दही डालें, अच्छी तरह मिलाएं। बस यह एकदम सही है। और अब काम पर लगना है। पहले एक पीली परत, अब गुलाबी और फिर नीली। शेफ की कॉटन कैंडी अब तैयार है। चलो इसे खाकर बताओ, है ना ये मास्टरपीस? अरे वाह, सब कितना सुंदर है। और यह क्या है? यह चॉकलेट जैसा दिख रहा है। यह नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं दादी की कॉटन कैंडी लेना पसंद करूंगी। ये कितनी बड़ी और प्यारी है। बहुत बढ़िया। अरे वाह, रेनबो कॉटन कैंडी। मैं अब इसे ट्राई करने जा रही हूँ। मैं समझ गई हूँ कि इस राउंड में कौन जीत रहा है। यह शेफ है। हाँ, मुझे पता था। बोन एपेटिट। हाँ, और इस बार मुझे एक
जेली भालू चाहिए। आसानी से हो जाएगा। क्या? समझ गई। ठीक है, हम इसे बना लेंगे। मैं अपना फेवरेट साँचा लूंगी और पहले मैं पानी की मात्रा मापूंगी। एक और मग और अब जेलेटिन, और अब मैं इस सब को अच्छे से मिला देती हूँ। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाना है पहले, और फिर कुछ स्ट्रॉबेरी भी यहाँ डाल देती हूँ, और मैं डाई भी डालूंगी। हाँ, यह ठीक है। सबको अच्छे से मिलाया और इसे सांचे में भर दिया। ठीक है, और अब इसे फ्रिज में रख देती हूँ, और अब हमें बस इंतजार करना है। अरे, यह क्या है? लाल धब्बा। इसे पोंछ देती हूँ। हाँ, चलो, हो गया। वाह, जेली भालू जम गया है। एकदम बढ़िया। अब इसे निकाल लिया सांचे से। जेली भालू, चुनौती स्वीकार है। मुझे जिलेटिन के 6 कटोरे और निश्चित रूप से पानी की जरूरत होगी। और अब रंग। जिलेटिन की परतों को बनाने के लिए क्यों ना एक एक्वेरियम की मदद ली जाए। हाँ, ऐसा, यह एकदम सही है। इसे परत में लगा दिया और अब इसे पलट देता हूँ। शाबाश। हाँ, बस फाइनल टच बाकी है। अब सारे अतिरिक्त भाग को हटा देना है। यह चाकू मेरे काम आ गई। एक माहिर कलाकार अपने काम पर लगा हुआ है। बिल्कुल सही। मैं अच्छा कर रहा हूँ। यह अच्छा तैयार हो रहा है। ओ वाह, यह बना मेरा मास्टरपीस। ओ वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। भालू। अब यदि एक और लेते हैं। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं गमी से भालू बनाऊंगा। मैं सारे छोटे छोटे भालू को मिला करके एक बड़ा भालू बनाऊंगा। एकदम सही। हाँ, तो लगभग तैयार। किसी ने यह नहीं देखा है? हाँ, हमने सब कुछ देखा है डियर। हम तैयार हैं। अरे वाह, 3-3 जेली बियर। मैं इससे शुरू करूंगी। बहुत प्यारा और अच्छा स्वाद। मैं बाकी को ट्राई करूंगी। रेनबो बियर, ऐसा पहले कभी नहीं खाया। स्वादिष्ट, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मैं बस ऐसा ही चाहती थी। इस भालू को केक की तरह खाया जा सकता है, और इसका स्वाद। वाह, बस फैसला हो गया। दादी जीत गई। क्या यह सच है? ओह, धन्यवाद। यह अच्छा नहीं है। और अब मुझे चाहिए चिप्स। यह हो जाएगा। हाँ, यह आसान है। मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है। आलू, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा होगा कि फलों का इस्तेमाल किया जाए। मैं इसे पहले टुकड़ों में काट लूंगी। हाँ, दादी सब कर सकती है। यह क्या हो रहा है? अब मैं एक अनानास लूंगी। मुख्य बात यह है कि सब कुछ प्यार से करना है। फॉइल के साथ कवर कर देती हूँ। और तुम कहाँ हो? ओ, माफ करना। और अब दादी का लाइफ हैक। मैं आयरन का इस्तेमाल करूंगी। हाँ, और
चिप्स तैयार है। वाह, क्या सुगंध है। यह स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आयरन नहीं, यह गैजेट ज्यादा अच्छा है। मैं इससे आलू छीलूंगा। आलू लगा दिया, अब इसे अच्छे से छील लेता हूँ। वाह, एकदम सही आकार। और अब इसे छीलकर सब एक कटोरी में रखता हूँ पहले। ये छिल गए हैं और अब एक ब्लेंडर में सब कुछ डाल देता हूँ और अब इससे मैश किए हुए आलू तैयार हो जाएंगे। हाँ देखो, यह तैयार है। और अब खूबसूरती से कटोरे में इसे डालना है और फिर थोड़ा रंग मिलाना है। यह बहुत खूबसूरत दिख रहा है। वाह, अब इसे ओवन में डालने का समय आ गया है। बस थोड़ी देर में यह तैयार हो जाएगा। अरे वाह, मैं मुझे भी शुरू करने दो। क्या आप आलू छीलने की बात कर रहे हैं? मैं अभी करूंगा। यहाँ काटा और अब इधर से थोड़ा इधर। उफ, ऐसा लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा ही काट दिया। अब क्या करूं? यह सही रहेगा। इस चिप्स को तो मैं खुद खाना पसंद करूंगा। बोन एपेटिट। वाह, यह नहीं चलेगा। क्या? ठीक है, मैं समझ गया। मैं चॉकलेट और कन्फेक्शनरी स्प्रिंकल डालूंगा। हाँ, इस तरह से इन्हें मिला दूंगा। बस। अरे वाह, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक शेफ का अपना छोटा सीक्रेट होता है? वाह, पहले मैं चीज पिघलाऊंगा। बढ़िया, स्टोव ऑन कर दिया और चीज पिघल गए हैं। और अब मैं फाउंटेन का उपयोग करूंगा। बिल्कुल सही, चीज फाउंटेन। यह हर किसी का दिल जीत लेगा। वाह, और यहाँ चिप्स हैं। इसे निकाल लिया। वाह, देखो, बॉन एपेटिट। वाह, सब कितना सुंदर है। चलो, वाह, चलो इस फाउंटेन से शुरू करते हैं। ये बहुत अलग सा है। वाह, मैं खुश हूँ। ओह, कीवी चिप्स, बहुत बढ़िया। यह जा रहा है मेरे मुंह में। हाँ, बहुत बढ़िया। आ, प्रिंगल्स का पैकेट, अजीब है। अरे वाह, चॉकलेट चिप्स, बहुत बढ़िया। मुझे और चाहिए। वाह, इस राउंड में यह जीतेगा। वाह, हाँ, आखिरकार। धन्यवाद। सबसे पहले मुझे पिज्जा चाहिए, इस तरह का। ओह, मैं पिज्जा बनाने में माहिर हूँ। बेशक, चलो पिज्जा डो बनाने से शुरुआत करें। मैं अपने मिक्सर में आटा डालता हूँ और उसमें कुछ अंडे तोड़ता हूँ और निश्चित रूप से पानी। अब इन सबको मिलाकर आटा तैयार कर लेते हैं। इस बीच मैं टमाटर का ख्याल रखूंगा। क्या खुशबू है। वाह, वह वहाँ क्या कर रहा है और मुझे इन सारे सामान के साथ क्या करना चाहिए? या शायद उन्हें बदलने का समय है। यह बेहतर है, हम इसके साथ काम कर सकते हैं। पहले मैं ओरियो कुकीज और एक रोलिंग पिन ले लेती हूँ। अब मैं इन कुकीज का पाउडर बनाने जा रही हूँ। यहाँ, यह लो। बस हो गया। आपको मेरे खाना पकाने की तकनीक कैसी लगी? मैं एक भी साबुत कुकी नहीं छोड़ूंगी। बढ़िया, आप कुकीज को एक कटोरे में डाल सकते हैं और इसमें न्यूटेला मिला सकते हैं। देखो यह कितना अच्छा हो गया। मैं यह सब अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। वाह, यह कितना स्वादिष्ट निकला। अब मैं अपने सुपर चॉकलेट के डो को पिज्जा बेस में रोल करूंगी। बिल्कुल सही। अब फिलिंग। मैं गमी बेयर के साथ शुरू करूंगी। अब मार्शमेलो
और फिर कैंडी M&M। और यह बढ़िया स्किटल्स। रेनबो किसे पसंद नहीं होगा। वाह, यह कितना सुंदर बना है। प्रत्येक भाग का अपना अलग स्वाद। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओह, पर हम जो सोच रहे हैं अभी वो संभव नहीं है। चलो देखिए कि दूसरों के पास क्या है। मैं अपने सिग्नेचर टोमेटो सॉस के साथ पूरे पिज्जा बेस को कवर करूंगा। और अब यह चीज का समय है। क्या खुशबू है। मैं इसे अपने प्रोफेशनल ग्रेटर से ग्रेट करूंगा। ओह हाँ, हमें जितना संभव हो उतना चीज चाहिए। और शायद इसको और रंगीन बना दे। मैं डाई डालूंगा और इसे अच्छी तरह मिलाऊंगा। इसे अलग अलग रंगों में करूंगा। अब मेरे पास रंग बिरंगा चीज है। इसे ध्यान से फैलाना बाकी है। यह बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब दस्ताने हटा देता हूँ। अब इस तैयार चीज को बेक करने का समय है। मेरे पिज्जा में विटामिन होना चाहिए। पहले ब्रोकली और अब इसी में 2 अंडे। और अब इन सबको मिलाने का समय है। ओह, ये बहुत पावरफुल है। इसके ढक्कन को बंद कर देना चाहिए। दादी, आप क्या कर रही हैं? बंद करिए ढक्कन। ओह, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। ओह, धन्यवाद मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो। पर मेरा डो लगभग तैयार है। इसे केवल एक बेकिंग शीट पर डालना ही बचा है। अब मैं ध्यान से इसे एक स्पैचुला की मदद से चिकना करती हूँ। पिज्जा बेस तैयार है। अब मैं और चीज काट लूंगी और मैं इसे टोमेटो सॉस के ऊपर फैलाऊंगी। और हाँ, ब्रोकली, बहुत सुंदर। अब हम इसे बेक कर सकते हैं। और यहाँ मैं और मेरा महान पिज्जा है। इसे केवल टुकड़ों में काटना ही बचा हुआ है। ओह, यही हमें चाहिए। मैंने खुद को मात दे दी है। यह क्या है? और यह हेल्दी पिज्जा मेरी पोती के लिए है। तो क्योंकि अब सब तैयार है, फिर पोवे को हमारे पिज्जा खाकर बताना चाहिए कि कैसा है। वाह! रुको, ब्रोकली, फिर से मैं इसे ट्राई भी नहीं करूंगी। पर यह स्वादिष्ट लग रहा है। क्या यह मल्टी कलर्ड है? कूल! और इसका स्वाद कैसा है? बुरा नहीं है। और अब आगे क्या है? यह अच्छा लग रहा है। मुझे किस फ्लेवर से शुरू करना चाहिए? मैं गमी चुनती हूँ। वाह, यह बेहद स्वादिष्ट है। कैंडी पिज्जा शानदार है। और जीत इसकी होती है। सच में? हुर्रे, मैं कितनी अच्छी कुक हूँ। जलन हो रही है। और अब मुझे लेमोनेड चाहिए। हाँ, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? ओह, यह आसान है। मेरे पास सही कंटेनर है और फिर स्प्राइट भी है। अब बस इसे अंदर डालना होगा। बस इतना सा। ओह, ताजा नींबू। अरे, क्या तुम फनल का उपयोग कर सकती हो? ओह, मैं मूर्ख हूँ। इससे यह वास्तव में बहुत आसान हो जाएगा। और अब गमी कैंडी और स्कीटल्स के साथ स्वाद में विविधता लाएंगे। देखो यह कितना सुंदर लग रहा है। मैं उन्हें सब अंदर डाल देती हूँ। और अब ड्रिंक का रंग कैसा है? अब मैं फनल को हटा देती हूँ और ढक्कन को बंद कर देती हूँ। और तुम लोग कैसा कर रहे हो? ओह, कितना भारी तरबूज है। मुझे छींक आ रही है। अच्छी। सब कुछ घूम रहा है। ओह, तरबूज 2 टुकड़ों में हो गया है। यही हमें चाहिए। और अब मैं एक ब्लेंडर लूंगी और पल्प को जूस में बदल दूंगी। इस तरह। यह दादी का स्टाइल है। और मेरे पास पुदीना और नींबू भी है। मेरे तरबूज लेमोनेड के लिए एकदम सही। सब कुछ नेचुरल और स्वादिष्ट। मैं सही कह रही हूँ ना? मुझे लगता है कि यह शेकर काम करेगा। अब बर्फ। मैं इसे अंदर डालूंगा और ऊपर से थोड़ा पानी। अब हमें स्ट्रॉबेरी काटने की जरूरत है और इसे भी शेकर में डालने का समय है। मैं इसे ढक्कन से ढक देता हूँ और अच्छी तरह हिलाता हूँ।
ध्यान से ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए। बढ़िया, अब केवल मेरे लेमोनेड को एक ग्लास में डालना ही बचा है। क्या रंग है, आप ब्लैकबेरी। कितनी अच्छी बात है कि मैं एक प्रोफेशनल बारटेंडर भी हूँ। सही रंग। और अब आगे ब्लूबेरी की बारी है। थोड़ा बहुत काम और यह बेरी भी तैयार है। बहुत बढ़िया, अब मैं एक संतरे का टुकड़ा लूंगा और इससे भी लेमोनेड बनाऊंगा। अब खरबूज। जरूरी बात है कि रुकना नहीं है। ओह, तैयार। अब पर अब कीवी की बारी है। वाह, आखिरी झटका। लेकिन क्या रंग है, अब केवल मेरे रेनबो लेमोनेड को सजाना बचा है। ओह हाँ, ये एक असली आर्ट पीस है। सही कह रहा हूँ ना? मेरा भी, अरे नहीं, मेरा लेमोनेड किसी कारण से डरावना हो गया है। ओ, फीवी से अभी ट्राई करने वाली है। सॉरी बहन। वाव, यहाँ बहुत सारे लेमोनेड है और यह किस तरह का आतंक है। यह बहुत खराब लग रहा है, मैं इसे पीऊंगी भी नहीं। लेकिन तरबूज बहुत अच्छा लग रहा है। कितना स्वादिष्ट और कितना फ्रेश, यही मुझे चाहिए। वाव, यहाँ ड्रिंक का एक पूरा रेनबो है। मुझे तुरंत उन सभी को ट्राई करना चाहिए। ओह, यह मस्त है। वे सभी बहुत स्वादिष्ट है और प्रत्येक का अपना अलग फ्लेवर है। कितना अच्छा। और अरे नहीं, ये क्या स्पार्क कर रहा है? कुछ मुझे हिला रहा है। ओह, यह क्या हो रहा है? ओह, चोट लगी। ओह, मैं तरबूज पर रुकूंगी। यह स्वादिष्ट और सुरक्षित दोनों है। क्या मैं जीत गई? ओह, कितना अच्छा। धन्यवाद मेरी बच्ची।